हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट मैं नेहा पांडे तो वाटर चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग पीएच मीटर तो इस वाटर चैप्टर में कुछ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक हैं जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक हैं तो इसमें सबसे पहले पी मीटर की हेल्प से हमें पीएच पता करना तो पीएच मीटर के बारे पीएच के वैल्यू के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि पीएच वैल्यू क्या होती है पीएच वैल्यू का मतलब होता है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है उसके ऋणात्मक लघुगुणक को हम पीएच कहते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है उसके टेन की नेगेटिव पावर को भी हम पीएच कहते हैं तो यहाँ पे जो पी मीटर है उसको यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन के साथ की हेल्प से पी हम पता करते हैं तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पी वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगेदम ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन द पी मीटर इज कैलिब्रेटेड अगेंस्ट बफर सॉल्यूशन ऑफ नोन पी बिफोर इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग पी ऑफ अन सॉल्यूशन तो क्या करते हैं कि जो पी मीटर होता है उसको पहले हम बफर सॉल्यूशन की हेल्प से पहले हम उसको सेट कर लेते हैं पीएच में क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो अपना पीएच मेंटेन रखते हैं उनका कोई पीएच जो है वो अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाया जाए तो उनका पीएच चेंज नहीं होता है तो हम बफर सॉल्यूशन की हेल्प से हम पी मीटर uh, में पहले बफर सेट पी वैल्यू सेट कर लेते हैं उसके बाद हम अनोन सोल्यूशन का पी जो है वो मेज़रमेंट कर लेते हैं पी मीटर की हेल्प से तो पहले प्रोसीज़र बता देती हूँ कि किस तरीके से पी एच मीटर से हम पी एच वैल्यू पता करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है प्रोसीज़र में स्विच ऑन द पी एच मीटर एंड वेट फॉर 15 मिनट सो तो दैट इट गेट्स वार्मड अप तो पी एच मीटर जो है पी एच मीटर को हम पहले 15 मिनट के लिए चला के छोड़ देंगे जिससे कि वो थोड़ा अप हो जाए 15 मिनट बाद क्या करते हैं कि टेक बफर सॉल्यूशन ऑफ़ पीएच 4.01 क्योंकि बफर सॉल्यूशन का पीएच फिक्स होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बफर सॉल्यूशन की जो है टैबलेट टाइप की आती हैं नॉन सॉल्यूशन की फ़ोर uh, की आती हैं सेवन की आती किसी भी पी uh, की जो है वो बफर सॉल्यूशन की टैबलेट्स मिल जाती हैं उनको क्या करेंगे हम कि 4.01 बफर सॉल्यूशन के हम 100 एम बीकर में हंड्रेड एम एल बी लेंगे और उसमें उसको सॉल्यूशन बना लेंगे बफर सॉल्यूशन को उसके बाद जो साथ में पीएच मीटर के साथ में इलेक्ट्रोड होते हैं ग्ला, ग्लास इलेक्ट्रोड साथ में होते हैं उन ग्लास इलेक्ट्रोड को उस सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे जब हम उस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो वो ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड रहते हैं पीएच मीटर से और पीएच मीटर में थ्री नॉब लगी रहती हैं जिसमें बफर सेलेक्ट करने के लिए एक नॉब होती है एक टेम्परेचर सेलेक्ट करने के लिए होती है नॉब और एक रीडिंग को सेट uh, करने के लिए नॉब होती है तो हम टेम्परेचर वाली नॉब की हेल्प से हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कर देंगे और बफर सेट करने वाली जो नॉब uh, होगी उससे हम बफर सेट कर देंगे और जो सिलेक्टर बट नॉब होगी उसकी हेल्प से हम उसमें पीएच को एग्जैक्टली exactly 4.01 पे सेट कर देंगे तो उसको हम जब सेट कर देंगे तो हमें क्योंकि बफर सॉल्यूशन का पीएच पहले से ही पता है तो हम उसकी हेल्प से जो है बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है उसमें जो है सेट कर देंगे उसके बाद जब हमें जिस नॉन सॉल्यूशन का पीएच लेना है तो उसको हम लेंगे बीकर में मतलब पहले हमने बीकर में लिया था बफर सॉल्यूशन जिसका पी हमें पहले से ही पता था और हमने इलेक्ट्रोड डाल के उसमें जो है सेट कर लिया पीएच पी एच मीटर में 4.01 उसके बाद अननोन सॉल्यूशन जिसका हमें पी पता करना है उसको हम बीकर में लेंगे और बीकर में लेने के बाद उसमें भी हम ग्लास इलेक्ट्रोड जो है टिप करेंगे और टिप करने के बाद जो रीडिंग आ रही होगी वही रीडिंग जो है वो उसका पी मान यानी कि पी वैल्यू होगी हॉट पॉइंट जैसे कि अभी मैं बताई चुकी हूँ आपको कि वॉश द इलेक्ट्रोड्स विद वाटर एंड रिंस विद एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रोड बफर सॉल्यूशन में डूबे हुए थे उनको निकाल के पहले हमें धो लेना है क्योंकि उसका पीएच पहले से ही हमको पता था बफर सॉल्यूशन को उसको हम बफर सॉल्यूशन को साफ करके जिस एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन का हमें पी पता करना है जिस भी सॉल्यूशन का उसी सोल्यूशन से हम उन बफ उन इलेक्ट्रोड को वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद बीकर में हम उसी सॉल्यूशन को लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो जब बीकर में उन इलेक्ट्रोड को डालेंगे तो जो भी यहाँ पे ये एक डिजिटल डिस्प्ले लगा रहता है और जो है ये एक मैनुअल पीएच मीटर का डायग्राम है तो यहाँ पे डिस्प्ले लगा रहता है तो जैसे ही हम उसमें डालेंगे तो जो रीडिंग आएगी वही उसका पीएच मान होगा तो ये डायग्राम की हेल्प से भी बता देती हूँ कि एक सेट जीरो मतलब रीसेट करने के लिए बटन लगा रहता है यहाँ पे सेट बफर बफर सेट करने के लिए एक नॉब लगी रहती है ये टेम्परेचर को सिलेक्ट करने के लिए नॉब है और यहाँ पे पीएच को सिलेक्ट करने के लिए एक नॉब लगी रहती है और ये डिस्प्ले रहता है जो भी रीडिंग आती है तो सबसे पहले क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोड है उनको हम बफर सॉल्यूशन को हम 100 हंड्रेड एम का ये बीकर है इसमें हम बफर सॉल्यूशन लेंगे और बफर सॉल्यूशन में जिसका पीएच हमें पहले से ही पता हुआ है 4.01 का तो उसमें हम इलेक्ट्रोड डालेंगे इलेक्ट्रोड डालने पे हम सिलेक्टर की हेल्प से यहाँ पे रीडिंग सेट कर लेंगे 4.01 पे उसके बाद हम इन इलेक्ट्रोड को निकालेंगे निकालने के बाद हम इसको वॉश करेंगे जिस एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन का हमें पीएच पता करना है उस सॉल्यूशन से हम इसको वॉश करेंगे इलेक्ट्रोड को और बीकर में उस एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन को लेंगे जिसका हमें पीएच मान पता करना है फिर हम इलेक्ट्रोड को उसी सॉल्यूशन में डालेंगे एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें डालेंगे और फिर देखेंगे कि मीटर में क्या रीडिंग आ रही डिस्प्ले में क्या रीडिंग आ रही है तो जो रीडिंग आ रही होगी वही उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू हो जाएगी तो ये तो था डिटर्मिनेशन ऑफ पी एच यूजिंग पी एच मीटर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टीडीएस टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर तो टीडीएस की ये फुल फॉर्म है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स मतलब समस्त घुले हुए ठोस जल में समस्त घुले हुए ठोस तो जल में समस्त घुले हुए ठोस यानी कि टोटल डिजॉल सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट uh, टाइप के जो मिनरल्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसी को हम टी से डिनोट करते हैं जो कि वाटर के टेस्ट को uh, जो है रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वाटर का uh, जो टेस्ट है आपने देखा होगा कि आर ओ आर में भी टी जो है वो चेक किया जाता है तो टी का मतलब यही यह होता है कि वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स जो हैं वो प्रजेंट होते हैं वाटर के अंदर तो जिसको हम टी डी एस बोलते हैं तो ये वाटर में जो है डिज़ोल्व सॉलिड्स जो होते हैं ये बन बनते हैं कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट, क्लोराइड सल्फेट फास्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम या फिर अदर और भी जो भी सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से ये टी डी एस मतलब जो सॉलिड्स होते हैं वो घुल जाते हैं वाटर के अंदर तो टी जो है वो कभी भी पानी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर ज़्यादा होता है ये टी जो है वो मिलीग्राम पर लीटर में इसको मेज़र किया जाता है तो टी की जो वैल्यू है अगर थ्री हंड्रेड से कम है तो फिर वो वाटर की रेटिंग जो है वो एक्सीलेंट मानी जाती है थ्री से सिक्स तक का गुड में आता है सिक्स से नाइन तक फेयर में आता है नाइन से ट्वेल्व तक में आता है और 1200 से अगर ज़्यादा है तो फिर वो अनएक्सेप्टेबल वाटर होता है तो टी वैल्यू जो है वो हमेशा थ्री से कम होनी चाहिए तो ये तो था टी मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड इसका मतलब कि वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो वेरियस काइंड के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स यही जो वाटर की हार्डनेस होती है वही जो प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर उन्हीं की वजह से ये टी होते हैं तो और इसके बारे में भी बता दिया कि टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए टी की वैल्यू हमेशा थ्री हंड्रेड से कम होनी चाहिए थ्री हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड गुड में आते हैं सिक्स हंड्रेड नाइन हंड्रेड फेयर नाइन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड पुअर और ट्वेल्व हंड्रेड से ज़्यादा जो है वो अनएक्सेप्टेबल में आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एल्किनिटी ऑफ़ वाटर मतलब जल जल की क्षारियता का निर्धारण ये भी एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है मतलब आयतनात्मक अनुमापन का ही टॉपिक है ये तो ये भी प्रैक्टिकल में आते हैं तो एस्टिमेशन ऑफ़ एलकाटी ऑफ वाटर का मतलब ये कि जो वाटर की एल्कालिटी मतलब क्षारियता जो होती है वो होती है उनके ओ एच वाटर के अंदर ओ एच आयन कार्बोनेट आयन या फिर टेम्प्रेरी हार्डनेस जो है जो कि बाई कार्बोनेट आयन की वजह से होती है उनके प्रजेंस होने की वजह से वाटर के अंदर एल्कालिनिटी होती है तो जो एल्कालिनिटी है वो डिटरमाइंड की जाती है वाटर के अगेंस्ट सल्फ्यूरिक एसिड का टाइट्रेशन करके यहाँ पे हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लेंगे टाइट्रेशन करने के लिए और यहाँ पे यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनते हैं कि इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि वाटर की जो एल्कालिनिटी है उसका एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन जो किसी रिएक्शन के कम्प्लीट होने को बताता है तो यहाँ पे टाइट्रेट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एन बाई फिफ्टी नॉर्मेलिटी का एस टू एस ओफर सोल्यूशन लेके हम वाटर की अल्काटी पता करते हैं तो जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे ब्यूरेट पिपेट बीकर ये सब पहचानते होंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रोसीजर में बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं रिंस एंड फिल द ब्यूरेट विद गिवन एन बाई फिफ्टी एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन तो एन बाई फिफ्टी एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन से हम ब्यूरेट को पहले धो लेते हैं ब्यूरेट जो है एक कांच की लंबी ट्यूब होती है जो फिफ्टी एम की होती है डिफरेंट मेज़रमेंट की होती हैं वैसे तो यहाँ पर हमने मान लिया कि फिफ्टी एम की लिए है तो उसको हम पहले उसी सोल्यूशन से एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन से उसको धो लेंगे और उसी में हम फिल कर देंगे एन वाई फिफ्टी नॉर्मैलिटी का एस टू एस सो फोर सोल्यूशन सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है रिंस द पेपेट विद द गिवन वाटर सैंपल एंड पिपेट आउट फिफ्टी एम एल ऑफ वाटर सैंपल इन फ्लास्क जो पिपेट होती है जिससे हम मुंह से सॉल्यूशन खींचते हैं क्योंकि पिपेट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं होता है तो हम उसको जो वाटर सैंपल है जिसकी हमें अल्काटी पता करनी है उसको हम पहले वाटर से धो लेते हैं और धोने के बाद उसी पिपेट से हम फिफ्टी एम एल एक फ़्लास्क में लेंगे फ़्लास्क आप लोगों ने देखे होंगे तो फ्लास्क में लेंगे और उसमें एड वन और टू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज मतलब टू या वन और टू ड्रॉप जो है मिथाइल ऑरेंज के डाल देंगे इंडिकेटर के तो जैसे हम वाटर में मिथाइल ऑरेंज के डालेंगे तो ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है मिथाइल ऑरेंज तो जैसे हम वाटर में डालेंगे तो वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में येलो कलर का दिखने लगेगा वो सॉल्यूशन येलो कलर का दिखने लगेगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ब्यूरेट में एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन भरा हुआ है उसके नीचे हम फ्लास्क को इसी फ्लास्क को रखेंगे और रखने के बाद धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन जो है वो डालते जाएंगे और एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन हम तब तक डालते जाएंगे कि जब तक कि जो येलो कलर था लाइट येलो कलर था वो कन्वर्ट ना हो जाए लाइट पिंक कलर में तो जैसे ही जिस पॉइंट पे लाइट येलो से सॉल्यूशन लाइट पिंक में कन्वर्ट होता है वहीं पे क्या करते हैं हम जो ब्यूरेट की हेल्प से हम सॉल्यूशन फ्लास्क में मिला रहे थे ड्रॉप ड्रॉप करके उसको हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे स्टॉप कर देंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे रीडिंग नोट करने के बाद हम जो है वॉल्यूम पता कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम जो है एस टू एस ओ फोर का यूज़ किया है और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी एल्कालिनिटी पता कर सकते हैं तो ये तो था प्रोसीज़र वाटर की जो एल्कालिनिटी है यानी क्षारीयता पता करने के लिए तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो